महाभारत के समय की बात है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। यहाँ न कोई राजा है न राज्य। कोई भी स्थान घृणा की आग से दूर नहीं है वत्स। जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उन्हें काफी महत्व दिया जाता है और अब तो स्कूल में भी इन ग्रंथों का सार या कुछ हिस्सा पढ़ाना कंपलसरी हो गया है ताकि सभी इनसे सीख सके। और एक सर्वे के हिसाब से हमारे देश में 60% लोग ऐसे हैं जो महाभारत की पूरी कहानी, और अगर पूरी कहानी नहीं तो उसका कुछ हिस्सा तो जानते ही हैं। और यही बात हमारे देश को इनक्रेडिबल इंडिया बनाती है। और इसी महान गाथा पर फिल्म बनाना आमिर खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जिसे अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, लेकिन अब उनका ये सपना बहुत जल्द ही साकार होने वाला है, क्योंकि उनका साथ देने आ रहे हैं SS राजामौली, जो माइथोलॉजिकल फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। भले ही उनके सपने को सबके सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उनका ये सपना पूरा होकर ही रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि महाभारत के कौन से किस्से पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, और ये तो काफी जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक ही फिल्म में इस महान गाथा को तो नहीं दिखाया जा सकता है। इसीलिए महाभारत एक फिल्म फ्रेंचाइजी होगी जिसके 5 से 6 पार्ट्स होंगे, और तब जाकर फिल्म मेकर्स इसे अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। और ये पार्ट हैरी पॉटर की फिल्मों की तरह हर साल रिलीज किए जाएंगे ताकि ऑडियंस की एक्साइटमेंट बनी रहे, और ये करना फिल्म मेकर्स के लिए भी आसान होगा, क्योंकि अगर एक बार फिल्म का बेसिक सेट बन गया, कास्टिंग हो गई और एक्सपर्ट्स को हायर कर लिया गया, उसके बाद उन्हें हर साल एक पार्ट रिलीज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उनका ये बेसिक यानी रिप्रोडक्शन का काम ही 2 से 3 साल ले लेगा, और उसके बाद हमें ये इपिक स्टोरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर फिल्म को अलग अलग पार्ट्स में बनाया जाएगा तो महाभारत की महान गाथा का हर किस्सा, फिर वो भीष्म पितामह और गंगा माता का मिलन हो, पांडवों और कौरवों का जन्म हो, उनका गुरुकुल जाना हो, द्रौपदी का स्वयंवर हो, उनका चीरहरण हो, या फिर महाभारत का युद्ध हो, उसमें दिया गया श्री कृष्ण का भगवद गीता का सार हो, इन सारे किस्सों को अच्छे से दिखाया जा सकता है। लेकिन जहाँ राजामौली सर जैसे इपिक राइटर हो, वहाँ कुछ ना कुछ अलग और इपिक होना तो बनता ही है, क्योंकि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि एक चीज को जैसे कोई और देखता है, वो देखते हैं उसमें काफी फर्क होता है, क्योंकि वो हर चीज की अलग नजरिए से देखते हैं, और रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ तो वो बचपन से ही पढ़ते और सुनते आए हैं, इसलिए उनकी लिखी हुई महाभारत कुछ अलग ही होगी। इस महान गाथा में कुंती पुत्र कर्ण और धनुर्धारी अर्जुन का रिश्ता कुछ अलग ही है, और उनके इसी अनोखे रिश्ते को लेकर वो फिल्म के एक एक पार्ट में उनकी कहानी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसे दिखाएंगे, क्योंकि महाभारत पर जो टीवी सीरियल्स बनी थी उनमें इस किस्से पर इतना फोकस नहीं किया गया था, बल्कि एक सीरियल आया था जो भी ज्यादा चल नहीं पाया था। लेकिन अब राजामौली सर कर्ण और अर्जुन पर फोकस कर एक पूरी फिल्म बना सकते हैं, जो देखना काफी दिलचस्प होगा। साथ ही ऐसे दमदार किरदार निभाने के लिए एक्टर्स भी तो दमदार ही होने चाहिए, जो कर्ण और अर्जुन के किरदारों को जस्टिफाई कर सके। अगर हम अर्जुन के किरदार की बात करें तो ये किरदार निभाने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वो है हमारे डार्लिंग प्रभास जी, हाँ, क्योंकि उन्होंने बाहुबली फिल्म में भी एक ऐसे ही वीर योद्धा का किरदार निभाया था, और हमने उन्हें तीरंदाजी भी करते हुए देखा है। और साथ ही हम सूर्य पुत्र कर्ण के किरदार की बात करें तो ये किरदार निभाने के लिए अगर कोई बेस्ट एक्टर है तो वो है साउथ के ही दूसरे सुपरस्टार रामचरण।
जिन्होंने हाल ही में RRR से अपनी हिंदी फैन फॉलोइंग को बढ़ा दी है और इस फिल्म के एंड में हमने राम को धनुष चलाते हुए देखा था, इसीलिए वो इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस है। क्या आप प्रभास को अर्जुन और रामचरण को कर्ण के किरदार में देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैंड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।